तो मैं क्या करूं छोने, ये वाली डॉल नहीं बोलती, ये वाली डॉल नहीं बोलती, अब क्या करें भाई ये। हाँ जी, तो यहाँ से ये एंट्रेंस है, ठीक हो गया। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। जी गाइस, फाइनली हम इस्लामाबाद आ गए हैं और हम शिफ्ट भी हो गए हैं यहाँ से। और अब मैं आपको घर दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि अभी हमने अपना घर नहीं लिया, अभी ये हम रेंट आउट पे हैं, अभी ये रेंट पे है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमने अपना घर बना। हाँ जी, तो यहाँ से ये एंट्रेंस है, ठीक हो गया। और ये रूम्स हैं, ये भी रूम है, ये गैराज है, ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये ऊपर वाले जो रेंट पे रहते हैं ना उनकी है, ठीक है, आपको दिखाती हूँ। ये मेन एंटर है, यहाँ एंटर होने से पहले इधर ड्राइंग रूम आता है और हमने इसको स्टोर रूम बना लिया है, ये देखते। इस रूम को हमने स्टोर रूम बना लिया क्योंकि यार यहाँ पे ना जो है ना रूम्स बहुत कम है और हमारा सामान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें समझ नहीं आ रही थी कि सारा जो है ना कहाँ पे हम सेट करें, क्योंकि एक तो यहाँ की एक ये प्रॉब्लम है, इन्होंने हर रूम में जो है ना सेफ जो होती है अलमारी वगैरह वो नहीं बनाई हुई, सिर्फ एक रूम में है हमारे रूम में, दूसरे रूम में नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो इसलिए फिर ये सारा सामान जो है ना हमें यहाँ पर रखना पड़ा, ये एक अलग से ही है। और इसके साथ वाला मेन ये वाला रूम है और ये साथ वालों का ऊपर जो रहते हैं ना उनके है। ये अब हो गई हमारी मेन एंट्रेंस, ये एज यूजुअल बच्चे यहाँ पे भी खेले। या आप अपने होम आ गई हो, दूसरे होम आ गई हो, आप भी दूसरे होम आ गए हो, और यहाँ आते ही गंद डाल दिया ना आपने, ये देख लो आपका सारा गंद, सफाई ना रहने देना, अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। तो ये हमारा किचन है, ये किचन हो गया, किचन अच्छा बना हुआ है, किचन में कोई मसला नहीं है जी। ओके, यहाँ हमने फ्रिज रख ली, बस ये टेम्परेरी अभी सेट किया है क्योंकि हमने इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना घर बना लेना है, देन फिर वहाँ पे सेटिंग करेंगे। एक रूम ये है, यहाँ पे उस्मान सो रहे हैं, यहाँ पे उस्मान सो रहे हैं अभी ना, लाइट्स भी चली गई, यूपीएस भी अभी सेट नहीं किया हुआ, तो ये एक रूम ये हो गया, कर्टन भी अभी नहीं लगाए, और सेकंड ये है, और ये बाहर इन्होंने ये ऐसे वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी हुई है, और सोफे वगैरह हमने यहाँ रख लिए हैं, बस इतनी सी गेम है हमारी। तो ये छोटा सा सेटअप था जो मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे ये मशीन अभी यहाँ पे रखी है, वॉशिंग मशीन, अभी इसको बैक एरिया में रखेंगे, अभी सेटिंग नहीं हुई क्योंकि हमें ऊपर जो कह लो ना छत का वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो ऊपर रहते हैं उनके पास है छत, और इसलिए कपड़े धोने के लिए अभी सोच रहे हैं कहाँ पे कपड़े डालेंगे कहाँ नहीं, तो बहुत टेंशन होती है यार, रेंट के मकान में मज़ा नहीं है यार। और जब दिल करता है मैं बाहर आके धूप में खड़ी हो जाती हूँ, छत पे तो जा नहीं सकते ना, टेरेस है बस यहाँ गेट के पास, यहाँ चेयर्स वगैरह रख लेते हैं तो धूप में बैठ जाते हैं, लेकिन ये माहौल अच्छा है यहाँ का, कोई ऐसी वैसी नहीं है कि यहाँ वहाँ की आंटियाँ आपको देखे कि हाय यहाँ बैठी है वहाँ बैठी है, अक्सर टिपिकल लॉक्स जो होते हैं ना लोग वो इसी तरह ही करते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पर एजुकेटेड लोग होते हैं और एजुकेटेड ही हैं यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ें नोट नहीं करते, आराम से कौन से बंदा अपना इंजॉय कर सकता है, बच्चे गली में खेलते हैं इंजॉय करते हैं, कोई डर वाली कोई बात ही नहीं है। और गाइस, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी से। मैंने तो नाश्ता वगैरह भी कर लिया हुआ है, अब उस्मान के उठने का वेट है, उस्मान उठेंगे तो फिर उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी, बच्चों को भी नाश्ता करा दिया है, फिट हो गया, आज क्या खाना है ये भी टेंशन है, बस अब उस्मान उठेंगे फिर सोचेंगे क्या करना है। गाइस, अब ये उठ गए हैं और अब मुझे भी सर्दी लगने लग गई, इसलिए मैं भी अब इनके पास आके बैठ गई हूँ ब्लैंकेट पे, ही यार बहुत ठंड है, कुछ दिल नहीं करता कुछ काम करने को ना कुछ करने को, लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं ना ये नहीं टिकते, ये क्या कर रही हो, ये कहाँ से ले आई हो, यार ये तो बाहर पड़ा हुआ था, ले जाओ, रखो अंदर गंदी बच्ची, ले जाओ, कोई हाल है, बाहर पड़े हुए थे, अभी सामान सारा बिखरा पड़ा है और वहां से उठा के ले आई है, तो वैसे साफ ही नहीं है, चलो जाओ उधर अम्मी को देख के आओ, जाओ जल्दी से देख के आओ अम्मी को, नहीं मैं बताऊंगा आपको फिर।
जाओ बाबा का पता ना बाबा मारते हैं। नहीं जाओ देख के आओ जल्दी से। नहीं उस टाइम लाइट ऑफ थी, लाइट गई थी, अब लाइट आ गई। मैंने बता दिखा देती हूँ सबको। बताओ क्या डॉल नहीं बोलती जी। तो मैं क्या करूं छोने, ये वाली डॉल नहीं बोलती जी? ये वाली डॉल नहीं बोलती, अब क्या करें भाई? ये कहती है ये वाली डॉल बोलती नहीं है। अच्छा ठीक है, वो तो मुझे पता है डॉल नहीं बोलती छोने, ये जाएं खेलें। अच्छा तो वो एलसीडी पड़ी है, अभी हमने यहाँ पे लगवानी है, अभी लगाई नहीं है क्योंकि ड्रिल मशीन वगैरह नहीं थी। और वो सामने छोटी सी अलमारी है और उसके सामने वॉशरूम है। और ये जनाब जी हैं जो अभी तक उठे नहीं, बस आंखें खोलते ही मोबाइल पकड़ लिया है। और हमने ये छोटा सा हीटर रख लिया साथ में यार ठंड की वजह से। बाकी तो सारा मैंने आपको दिखा दिखो दिया। थोड़ी सी हिम्मत करके उठती हूँ, नाश्ता वगैरह बना के देती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। यान भी आ गया मेरे पास पढ़ने के लिए। यान पढ़ने आए हैं आप जी? मैं भी। क्या पढ़ने आए हैं आप? बॉल पढ़ने आए हैं। अच्छा जी, मोर बॉल हर चीज। आपने भी पढ़ना है जी? आपने क्या पढ़ना है जी? एबीसी जी। बट आपने भैया की बुक्स फाड़नी नहीं है। ओके जी। ये बहुत सियानी है, फटाफट आती है जब भी बेचारा बैग लेके आता है। एप्पल, ओके वेरी गुड। उसकी बुक सारी फाड़ देती, पेंसिल खींच लेती है, बहुत तंग करती है, पढ़ने नहीं देती उसको, है ना यान? बहना पढ़ने नहीं देती जी? हाँ जी, जी हाँ जी भाई। अब मेरे बेटे का पढ़ने का स्टडी का टाइम है, ठीक है? मेरा बेटा पढ़ेगा। पेंसिल भैया, कहती थैंक यू। भैया ने पेंसिल दी है आपको, वेरी गुड। चले अब आप लिखें, ए लिखें। वन लिखना आता है ना सच आपको? वन लिखना आता है? आए आए वन। ये तो एबीसी वाली बुक में वन लिख रही है आपको, वेरी गुड। आपको क्या आता है यहाँ लिखना? क्या लिखना है? कलर्स वाली बुक में कभी कुछ लिखते हो कभी कुछ। ये इसमें कलर्स करते हैं छोने, कलर्स वाली बुक है। कलर्स वाली बुक्स जो होती है ना उसमें जस्ट कलर्स करते हैं, और जो राइटिंग वाली बुक्स होती है उसमें राइटिंग करते हैं जी। और जो रीडिंग वाली होती है ना उसमें रीडिंग करते हैं, उससे पढ़ते हैं जी। अभी ये सारी बातें इसके ना ऊपर से गुजर रही है ना? देख को भाई, देख लिया सब, कहने बहुत अच्छा है। मैं कह रहे थे आप मुझे रोटी बनानी नहीं आती? नहीं। ये किसने रोटी बनाई है? ये मैंने बनाई है। गाइस ये देखो, ये मैंने रोटी बनाई है, मेरे हाथों में अभी भी हर चीज आटा छटा लगा हुआ है देखो। और अब टाइम पे आके अपना नाम कर रहे हैं, कहते तुम्हें रोटी नहीं बनाने आती। मैं ये तुमने खुद अपने हाथों पे आटा लगाया है, बड़ी चला को। अच्छा अपने हाथ दिखाए। अच्छा इन्होंने रोटी बनाई ना, अपने हाथ दिखाए। मैं भी धो गया हूं। रोटी बनाते हुए कौन रोटी छोड़ के हाथ धोने जाता है, बताओ जरा। बहुत चला समझ गए। आपने खुद ही कहा कि ये पापड़ी सी बनानी है, तो पापड़ी बनानी है तो बनाए फिर आप। गाइस अब मैंने भी चेंज कर ली है और अब मशीन लगाई हुई है, अब कपड़े धो रही है। एक तो यहाँ पे अभी ना सेटअप नहीं हुआ हुआ कि कहाँ पे रखे मशीन। लॉन्ड्री है पीछे बैक साइड पे हमारे रूम के पीछे, लेकिन उस्मान जो है ना अभी काम कर रहे थे, हमने कहा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर इसलिए टेम्परेरी तौर पर अभी इधर रखी है। तो मशीन लगाई थी, लाइट चली गई है, अब लाइट का वेट हो रहा है, लाइट आएगी उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस जो रहता है प्रोसीजर वो सारा पूरा करेंगे। और मेरी जो लाडो रानी है वो क्या कर रही है? पढ़ रही है। मुझे कह रही थी कि भाई मुझे ये बैग पहनाओ, मैंने स्कूल जाना है। तो इसको मैंने बैग पहनाया, अब इरा ने दोबारा उतार लिया, लेकिन अभी तक ये स्कूल नहीं गई। इरा आप स्कूल क्यों नहीं गई? क्या डोरेमोन बनी हुई हो बताओ, गंदी बच्ची। और वो जी जनाब को देख रहे हैं, आप दूर से ही देख रहे होंगे कि वो क्या कर रहा है, उसका बस एक ही काम है मोबाइल लेके बैठ रहना। हाँ जी। और ये जनाब मोबाइल पे लगे रहा। यान आप मोबाइल में क्या देख रहे हो? मिठू, ओ मिठू बस कर दो, थकते नहीं हो? आपने पढ़ना नहीं है तो बस कर दो, बस। नहीं पढ़ा। पढ़ लिया? किसने पढ़ाया आपको आज? अरे अच्छा भाई, वो कहते मैंने खुद पढ़ लिया है, खुद पढ़ा है, मामा ने नहीं पढ़ाया, आज उसने खुद पढ़ा जी। छोने अब इसका स्टाइल देखना, वहीं पे अकड़ी रहेगी और कहेगी आके आप मुझे खुद पकड़ो। ओ ओ
बहुत दावे बात है ये, बहुत दावे बात है ना इसकी ये हरकतें। जब कपड़े भी धुल गए और अब हम यहाँ पे कपड़े डाल रहे हैं। पहले ये तार यहाँ पे नहीं थी कपड़े डालने वाली, फिर कल उस्मान लेके आए हैं तो फिर ये हमने जुड़वाई है ये दो, और अब यहाँ पे हम कपड़े डाल रहे हैं। बाकी बाल्टी में ये है और एन इरा की माऊ भी है और भी देखती हूँ कहाँ पर डालनी है। फिलहाल ये कपड़े यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर सारे डालने, बस ये दुआ करें बारिश ना हो। अगर बारिश हुई तो बस सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जानी है। और ये एक गीज़र लगा हुआ है जो हमें गर्म पानी प्रोवाइड करता है, इसके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है यार कसम से। जब तक ये चलता है सांसें चलती चलती है, जब ये नहीं चलता तब बंदा बस ठूस होकर बैठ जाता है। वैसे ये जगह इन्होंने काफ़ी खुली रखी हुई है, बंदा यहाँ पर कोई पार्टी शार्टी भी कर सकता है छोटी मोटी। सब फ्री हो गए हैं काम शाम करके, खाना शाना खा के, अब हमारा है नीनो। नहीं है। अरे नीनो टाइम है अब हमारा। अच्छा भाई हमारा नीनो टाइम है, अब मुलाकात होगी कल। बाय बाय कर दो। ओके बाय बाय।